नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद् गीता के सार इस वीडियो को देखने का मन सोचा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। दर्शकों, मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां जो वह चाहता है, चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, या भगवान का साथ पाना हो, श्री भगवद गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बहुत बिल्कुल अस्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ यह क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति ज्यादा करने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि लेता था। उसने इस बच्चे को भी देख लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि देने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस बच्चे की बलि देनी हो तो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसने मजबूर होकर उस बच्चे को वापस घर भेज दिया। और उसकी माँ ने अपने बच्चों को सही सलामत देखा तो उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा है या चाहे वह बुरा हो रहा है, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि आप किसी भी हालत में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोता है, हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी भी बच नहीं सकते, और भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रखना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह यह मान कर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला वह ऊपर वाला भगवान है। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी दुख होगा ही नहीं, हमें कभी घमंड नहीं होगा। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप ही वास्तविक हो। मनुष्यों की भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। कभी किसी इंसान को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान दुखी रहता है तो उसका सबसे मोटा कारण है मोह।
मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान नहीं रहा, अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती हो तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुनि हंसिए मत, यह बात सच्ची है, लेकिन मैंने आज तक यह बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने की मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था, तभी एकदम उसकी नजर चांदी की एक डंडे पर गई जो बहते बहते किनारे पर आ गया था। वह खुश हुआ और झटपट उस डंडे को उठा लिया। अब वह डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रख कर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहाकर ले गई। वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा और रोने लगा। उधर से एक संत आ रहे थे, उसे उदास और रोता हुआ देख पूछा, इतने उदास क्यों हो। उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, डंडा लेकर नहा रहे थे। वह बोला, क्या करता, किनारे रख कर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे। स्वामी जी ने पूछा। अब आदमी ने कहा, लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिली थी। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जी हंसने लगे और बोले, जब वह तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी। कभी कुछ खुशियां अनायास मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियां अनायास मिलती है परमात्मा की ओर से मिलती है, उन्हें सराह का हमारे पास समय नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे दुखों की गिनती करने में जो उसके पास है नहीं।
आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह, और भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही भूलकर उसे अगले सफर में निकल जाना है। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी, सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से लौट रहे थे, सारे पांडव दुखी थे, श्री कृष्ण उन्हें अपना शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने से भाव से वे कांप जाते थे, लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था, कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे, सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपसे आज तक आपने अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुखी क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है, हर वक्त तुम याद आते हो, सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारा याद आता है, तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। दर्शकों, भगवान के नाम से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगति बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, तो पांडवों के साथ कृष्ण शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है, तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपना ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो एन वक्त पर पाला बदल कर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्स इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों के साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। मित्रों, शकुनु ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ, जो जुए सट्टे खड्यंत्र से हमेशा दूर रहो,
यह चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती है। दर्शकों, महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें नहीं करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले युद्ध उसी पर थोपा जाएगा, उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर है और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य को तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने समर्थ के आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके बस में नहीं रहा, वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो, घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर
जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अपनी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है, उसे अनुतिपूर्वक लेने छीनने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्म हमेशा जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। तो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी के द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएँ बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और न ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका सदैव स्मरण होगा। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप
पाना चाहते हैं मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो वह अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जो ध्यान तो सबका रख पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। साथियों, जरा सोचिए, एक गलत पासवर्ड से अगर आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट जरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला अलग तरीके से देता है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय के लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो संसार मौन होकर सुनता है। मन
कभी कभी यही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप चुनते हो या नफरत में क्या रखा है। मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो तुम्हारा घर है न ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर जब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस कम प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक समझता रहेगा, आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी न हो सका उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान कहते हैं मेरे लिए ना तो कोई घृणित है ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, ना कोई निरर्थक निर्धन है और ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ, वह मेरे किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग हुआ और मुझे हर वह काम करना था जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैंने अपने हाथों से उठाता था, जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में न तो शिक्षा थी, न ही महल, न ही कोई गुरुकुल था, न ही कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे मोटा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना होता रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तकलीफों और दुख में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है। और इंसान को तकलीफों और दुखों से कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी यह भी मत सोचिए कि आप सब कुछ हैं, हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो है जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में शिकायत मत रखो, सोचो कि जो कुछ मिला है बेहतरीन मिला है, जो न मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थना का वक्त ज़्यादा लो और ईश्वर से बात करो, अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनके लिए बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। तो जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या मोटी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं।
अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा ऐसा मानकर काम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई मोटा हो या छोटा हो, वास्तव में तो महान वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरे की मन की हो तो बहुत खटकती है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर ही रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमते रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है तब ईश्वर कोई न कोई साथ देने वाला भेज देता है। उसी को कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी की तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे एकदम सही है स्वयं को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो अपने कर्मों की बात है। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। कृष्ण कहते हैं जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी संसार ही क्यों न लग जाए। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों के से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब यह नाराज होते हैं तो सीधा आपके सम्मान पर वार करते हैं। अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना कई लोगों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, इज्जत जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो जो तुम्हें भूला है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। याद रखना कि मुश्किलों देने वालों से मोटा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। क्योंकि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। हमें क्या करना है और कैसे करना है इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो, लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो वह करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, तारीफ तो सिर्फ मरने के बाद ही होती है। जो व्यक्ति कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए।
वह तो कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव हंसता है, खेलता है, मुस्कुराते रहता है, हो अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में कोई दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। उसकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु तकलीफ की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई खास अपना होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उसके लिए उस दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव और संतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझें कि कोई आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ है। बांसुरी न होती, बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो जाते हैं, तो बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह भी वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी मोटी है, तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी मोटी है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ खोना होता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है, उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विश्वस्तता के साथ शिष्टता भी हो। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार और सफलता की मार की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। जरा ध्यान कीजिए, कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब का कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसके लिए आपसे मिलने के लिए खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, यह हमारी भ्रांति होती है। वास्तव में बुरा तो हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का अंतिम फल हमें ही भोगना होता है। हम जो भी बो रहे हैं, उसका फसल हमें ही काटनी है। इंच इंच का हिसाब होता है, ईश्वर के न्याय में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले खोल सकती है, और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई और वे तिल मिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे, तो इस कहानी को याद कर लेना। एक समय की बात है, एक राज्य था, उसके राजा की सभी आप
आसपास के राज्यों के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी। सभी का वहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी कोई आभूषण हो तो कभी खाने का कुछ हो तो कभी वस्त्र इत्यादि कुछ न कुछ हमेशा देते रहते थे। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। उस समय राजा की आवभगत से खुश होकर राजा को एक विशेष पत्थर उपहार में दिया। राजा को वह पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने अपने मंत्री को उस पत्थर से भगवान की मूर्ति मरवाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति लेकर मंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास जाता है और उसको पत्थर देकर कहता है कि इससे भगवान की एक अच्छी मूर्ति बना दो, इसके बदले में तुमको जो चाहिए वह मिलेगा और साथ ही 700 सोने की मोहर दी जाएगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी सभी वस्तुएँ और औजार लेकर काम शुरू करता है। वह उस पत्थर पर मारने लगता है जिससे कि उसकी अच्छी सी मूर्ति बन सके। कई बार चोट मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी, वह पत्थर टूट ही नहीं रहा। अंत में एक चोट और मारकर वह कहता है, अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतनी चोटें खाने के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वह उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है, क्षमा करें, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी। राजा का आदेश जो था, मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण से मूर्तिकार के पास जाता है। जैसे ही वह मूर्तिकार उस पत्थर पर पहली चोट मारता है तो वह पत्थर टूट जाता है। पत्थर टूट गया तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दी और बदले में मंत्री ने उसे सोने की मोहर दे दी। अब वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो यह सोने की मोहर उसकी हो जाती। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा रहने देते हैं, यह सोचकर कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ऐसा यह शायद मेरे लिए है ही नहीं, यह मेरी किस्मत में ही नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा। पर असलियत में आपको एक बार और करने की ज़रूरत है। अब एक दिन मेहनत और करने की ज़रूरत है, एक दिन धैर्य और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे हैं उसकी अगली ही बार वह काम हो जाए और हम उसे त्याग देते हैं, अपने गोल्स को भी त्याग देते हैं, अपने अपनों को त्याग देते हैं, अपनी जीत को त्याग देते हैं। साथियों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है, किसी को जल्दी तो किसी को से पर असर दिखाती जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके फल मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाएं। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वह जो सोने की मोहरे है ना, वह कोई और ले जाएगा। साथियों, जीवन में अगर आपको कठिनाइयां मिल रही है तो घबराइए नहीं, क्योंकि वह हमें गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं। तो कांटों से तो तालमेल की कला सीखनी ही होगी। कमल को देखा है ना, गंदगी में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही तो है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराहट के लिए यह वजह ही काफी है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो जो ज्ञान, गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है, कल बीता हुआ कल किसी और का था और आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह
तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं हासिल होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान और कर्म का विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू है, या किसी जंगल में धुनी रमा कर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू, खुद लिखे और खुद ही बाँचे। मित्रों, न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया। और अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे मोटा अपराध होता है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली है या जो न्याय पाने के लिए प्राणपन से उत्सुक है। जिन उन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमय छिपे हुए, जो जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने से लाभ नहीं मिलता। पांडवों को हस्तिनापुर नहीं रह के दो बार जंगल में रहे और अंत में उनके जब खांडव प्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा से गए और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी और को अपने जीवन के राज्य बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई के आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के सक्षम खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरिक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, पर चिंता किस बात की, कोई पहले मरेगा तो कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खान दवा खाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को देखने या सुनने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन जीना सबसे महान दौलत है। तो दर्शकों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि भगवत गीता का यह विचार आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।